हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,256 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,138। तो जैसे कि आप देख पा रहे, शुरू में जब वो मार्केट ओपन हुआ कुछ साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स चल रहा था और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, हल्का सा बाउंस बैक हुआ और जैसे ही फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,117 अचीव्ड हुआ। कुछ देर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, फिर एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अचीव्ड हुआ सेकंड टारगेट 15,098। यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया और जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब जाके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से एक बार इसने फर्स्ट और सेकेंड टारगेट अचीव किया और यहाँ से इन्हीं लेवल्स के पास से ये फिर से बाउंस बैक हो रहा था। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, करीब करीब 2-3 बार यहाँ पर सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था एक रिव्यू क्विकली। अभी कल के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, हफ्ते का लास्ट दिन है कल। तो सबसे पहले डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं निफ्टी के। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसके बाद कंफर्मेशन में मिला है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे। तो अभी अगर और करेक्शन आता है तो कहाँ सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए हम इस लो और हाई को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो 14,998 यानी ऑलमोस्ट 15,000 के पास, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके पास हो सकता है एक सपोर्ट टेस्ट करें 15,000 के पास। आप पास्ट में भी देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है। तो 15,000 होगा सपोर्ट का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो, उसके बाद 20 EMA 14,850 के लेवल्स हमें निफ्टी में आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में। जैसे कि कल हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल को मार्क किया था एज ए स्विंग लो था एक, उसको जैसे ब्रेक किया निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ पर आज 3 बार इसने सेकंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, तो इस लेवल को अगर कल ब्रेक कर देता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। यानी 15,077 के नीचे निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,056। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,030। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो फर्स्ट हर्डल तो ये 50 EMA का ब्लू लाइन होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। अगर आप यहाँ पर देखें एक गैप भी क्रिएट हुआ था तो इसका इनिशियल लेवल है इस गैप का, तो 15,164 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं कल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,183। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA का हर्डल, यानी यहाँ पर हो सकता है 20 EMA को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करे 15,201 के पास, तो ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। तो ये निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप ज़बरदस्त आज लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया ब्रेकडाउन लेवल के पास, बाउंस बैक हुआ और जैसे फिर से आया
तो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी में भी अचीव हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। कल जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि डिसेंडिंग टॉप्स बन रहे और ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है तो और भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी 50 EMA का इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, आप देख सकते हैं ब्लू लाइन के पास इसने एक स्टॉप लिया है, पॉज लिया है। इसी लेवल को हम एज अ कल के लिए ब्रेकडाउन लेवल मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ट में भी कई बार इसने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अभी ये फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को जाने दीजिए, अराउंड 36,374 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,230, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,075, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है तो कम्प्लीटली 20 EMA और 50 EMA ये अभी रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक कर दीजिए कम्प्लीटली, इसके बाहर आने दीजिए 20 EMA के, यानी अराउंड इस लेवल के पास। आप देख सकते हैं इस लेवल को इसने एक सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करके बैंक बाउंस बैक होने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर 36,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,902, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 37,005, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हैप्पी ट्रेडिंग।